तो गाइस यहाँ पे जो मंदिर है वो चितेश्वर नाथ का है और वहाँ पे शिवलिंग है भगवान शंकर की, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो मंदिर है वो माता पार्वती का है, तो यहाँ पे भी हमने पूजा कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे किसका मंदिर है, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। ये पता नहीं किसका मंदिर है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, शायद किसी देवी का मंदिर है। अब चलते हैं आगे, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, एक ही जगह में बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पे है, अच्छा ये मंदिर है किसका, जरा मुझे देखना पड़ेगा। ये शायद कृष्ण, भगवान कृष्ण का मंदिर है। ये पीछे मैं दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लॉक है, अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है यज्ञ, यज्ञ पता नहीं जो भी बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता। और उसके बाद ये भी है कृष्ण भगवान का, श्री कृष्ण और राधे यहाँ पे। और उसके बाद है यहाँ पे दुर्गा माता, यह है दुर्गा माता का मंदिर जो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो गाइस ये है माता लक्ष्मी का मंदिर, और यहाँ सारे मंदिरों में लॉक लगा रहता है, अंदर जाना अलाउ नहीं है, पता नहीं क्यों। बाहर से ही पूजा करो और उसके बाद आ जाओ। और ये रहे बजरंग बली। तो गाइस अभी पूजा करके आ चुके हैं हम लोग, कहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी। तो यहाँ सबसे अच्छी, इंटरेस्टिंग और एकदम देखने लायक चीज़ है वो है ये सारी मछलियाँ हैं, ऑरेंज कलर की, ब्लैक कलर की, गोल्डन कलर की, वाइट कलर की, बहुत सारी मछलियाँ। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। भैया देखे पूरा ऊपर तक पानी आ रहा है। तो यहाँ पे सब लोग मछलियों को दाना खिला रहे हैं, बहुत सारी मछलियाँ। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पे तो इस मछली को दाना खिलाते खिलाते इस मछली के मुंह में मेरी उंगली चली गई थी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं चंद्राम बाबा के, और काफ़ी बड़ी घंटी लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे भी एक तालाब जैसा छोटा सा है और उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, काफ़ी बड़ी मछलियाँ हैं, लेकिन पानी गंदा होने के कारण वो क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। तो अब
में जो मेरा बच्चा खुचा चश्मा था वो भी टूट चुका है, वो अलग हो चुका है और मैं बिना चश्मे की हो गई, क्या ही कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल करते हैं दर्शन और उसके बाद कहीं का प्लान नहीं है, कुछ खाएंगे पियेंगे उसके बाद सीधा घर के लिए निकलेंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं और करते हैं बाबा का दर्शन। तो ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और काफ़ी ज़्यादा दूर है इसलिए यहाँ से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, कहीं शायद मन्नत की घंटियाँ हैं यहाँ पे भी जितनी लगी हुई हैं और उस मंदिर में भी जितनी लगी हुई होंगी, लगी हुई थी। यहाँ पे होती है पूजा तो हम अभी यहाँ करेंगे पूजा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा है, हाँ नहीं दिखेगी वो, नीचे जाएंगे ना तब दिखेगी। गई अंदर लेके कितनी बड़ी है ना, पानी घी की थोड़ी से छू के देख, तुम्हारे इतनी बड़ी है आद्या, लेकिन वो बड़ी बड़ी यहाँ सारी अंदर ही रहती हैं। तो अभी हम चैन राम बाबा के यहाँ से दर्शन करके आ चुके हैं और हम अभी यहाँ पे आए हैं एक तालाब पे जिसका बहुत अच्छा व्यू है और बहुत अच्छी हवा चल रही है। आज उतना धूप भी नहीं है, आज हम घूमने निकले हैं तो आज धूप भी नहीं है तो बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का पानी देख के बहुत अच्छा लग रहा है हवा में। ठंडी हवाएं चल रही हैं और पानी देख के तो जाहिर सी बात है पानी देख के अच्छा लगता ही है। इसमें मछलियां नहीं है शायद, काफ़ी बड़ा है और सेंटर में फाउंटेन है लेकिन वो फाउंटेन अभी ऑन नहीं है, शायद रात में होता होगा। Thank you.